हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन की गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ली है। और ये देखिए, 3 धागों वाली रेसिस वाली वूल ली है। जो ये ड्रेस बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट वूल होती है, ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो इसी से मैं बहुत ही प्यारी सी एक ही कलर से बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊँगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। और कम सर्दी के लिए बहुत ही आरामदायक है ये ड्रेस। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फंदा डालेंगे। तो ये जो मैं आपको ड्रेस बता रही हूँ, ये 5 और 6 के लिए बता रही हूँ, और बहुत ही सिंपल सी ड्रेस आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबा सा धागा ले लेंगे और यहाँ से हम फंदा डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई को इस तरह से पकड़ा और यहाँ पे इस तरह से फंदे ले लेंगे। और नहीं ज़्यादा टाइट फंदा नहीं डालना है और नहीं ज़्यादा ढीला डालना है, मीडियम साइज़ में ही फंदे को इस तरह से धीरे धीरे डालें। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे मैं फंदा ले लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो चलिए हम फंदे डाल के आपको यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 36 फंदे ले लिए हैं, यानी कि 30 और 6 फंदे मैंने डाल लिए हैं। और ये मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए आपको बता रही हूँ, 5 से 6 नंबर गोपाल जी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनाना बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों साइड से बनाएंगे इसको। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने वूल को हल्की येलो वूल ली हुई है। आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और देखिए, आप वूल अगर इस तरह की नहीं लेना चाहते हैं, जो नॉर्मल वूल होती है वो भी आप ले सकते हैं, पर ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इससे बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको, ये देखिए पूरी सिलाई मैंने बना ली, और दोनों साइड से ही इसको हम ऐसे ही बनाते हुए थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही हमने बनाते हुए जाना है। तो चलिए, मैं इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ा सा लंबा, और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ कि क्या करना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना इसको लंबा बना लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं, यानी कि दोनों तरफ की सिलाई मेरी यहाँ पे 12 सिलाइयाँ मैंने टोटल कर ली हैं। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही दोनों साइड से देखिए बनाई हुई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। तो देखिए, एक फंदा मैंने सीधा ले लिया और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो जिस तरह से स्वेटर में बॉर्डर बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अपना बॉर्डर बनाएंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन के कम्प्लीट होता है। ये देखिए, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए,
एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे सारे फंदों को। ये देखिए, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ही पूरी सिलाई को बनाएंगे हम, और दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही हमने बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे सभी फंदे हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस साइड हम जो फंदा हमने, ये देखिए इसी तरीके से इधर भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फंदा, ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये उल्टा बनाया है, तो इसको हम यहाँ पे इस साइड से सीधा बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये वाले फंदे को उल्टा, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ही बनाते जाएंगे, तो ये हमारा बॉर्डर दिखने लग जाएगा। जो फंदा मैंने इधर उल्टा बनाया है, इस साइड से हम उसको सीधा बनाएंगे, ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है, एक फंदा सीधा आ रहा है और एक फंदा उल्टा आ रहा है। देखिए ऐसे, इस साइड से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मैं इसको ऐसे ही, इसको भी थोड़ा सा लंबा करूँगी बनाते हुए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा बनाते हुए लंबा कर लेते हैं, और वो भी मैं आपको बता दूंगी कितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं यहाँ पे भी। तो चलिए कर लेती हूँ इसको भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको भी इतना लंबा बना के कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक उल्टा बनाया था, एक सीधा बनाया, इस तरह से ये बॉर्डर हमारा बहुत ही प्यारा सा बन के आया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी ये 8 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। दोनों साइड की मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि मैंने अगर ऐसे ही गिनूँ तो मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। इस साइड से भी अगर हम लगाते हैं, जैसे कि एक सिलाई हमारी दोनों साइड से बुन के आती है तो एक सिलाई बैठती है, तो उसी को हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड की 8 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 सिलाइयाँ, वो सॉरी 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की हमने बनाई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा आपको पोशाक बता रहे हैं, 5 नंबर गोपाल जी के लिए, आप 6 नंबर को भी पहना सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फंदा घटाएँगे। तो देखिए कैसे, ये देखिए 2 फंदा मैंने एक साथ लिया और 2 का 1 कर दिया, एक फंदा घटाया, फिर सिलाई में डाल दिया वापसी, फिर दूसरा फंदा घटाया, फिर वापसी सिलाई में डाल के तीसरा फंदा घटाया, फिर सिलाई में डाला चौथा फंदा, पांचवा, छठा, 7, 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये 13 फंदे मैंने घटा दिए। तो यहाँ पे जो बॉर्डर हमारा बनता चला रहा है, तो 10 फंदों में यहाँ पे उल्टा फंदा आ गया है, तो ये आगे फली आ गई है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे। तो एक फंदा बना लिया, 13 फंदा इस साइड मैंने घटा दिया है। ये देखिए, अब ये देखिए 1, 2 बॉर्डर ही बनाएंगे इसको, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। तो यहाँ पे 13 फंदा घटाया, इस साइड भी 13 फंदा घटा देंगे, यानी कि हमारे 36 फंदे थे, 36 फंदे थे।
तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे में बॉर्डर बनाया। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ करते हुए इन 13 फंदों को भी यहाँ पे बंद करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे साइड बताए हैं वैसे ही। ये देखिए, एक सारे फंदे ऐसे ही बंद करने हैं, 13 फंदा इस साइड बच गया है, तो ये भी सारे फंदे ऐसे ही बंद कर देंगे 13 फंदों को, जैसे दूसरी साइड करे हैं। बहुत सिंपल सी पोशाक आपकी बनके कंप्लीट होगी और पहनाने में भी बिल्कुल आरामदायक है। और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से पूरा देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पे ये 12 फंदा घट चुका है, अब 13 फंदा रह गया। 13वें फंदे में हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इसमें नॉट लगाएंगे, तो धागे को कट करेंगे। धागा हमने नॉट में निकाल लिया है। अब ये देखिए यहाँ से इस तरह से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने ये यहाँ पे अपनी धागा लगाते हुए ये 10 फंदों को बनाना है। तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए, तो वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तो इसको भी हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे 10 फंदों को। ये देखिए, ये उल्टी तरफ हम इन धागों को छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे दबाते हुए इस तरीके से, तो इन्हें भी हम ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करेंगे बनाते हुए। उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, इन 10 फंदों को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। और बाद में इनको नॉट लगाते हुए दोनों साइड के धागों को भी कट करेंगे। तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने ये यहाँ से 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने दोनों तरफ की, ये यहाँ से जहाँ से मैंने फंदे घटाए थे, 8 सिलाइयाँ टोटल बना ली हैं। तो 13 फंदा इधर घटाया था, 13 फंदा इधर, और बीच के 10 फंदे बनाए थे, एक सीधा एक उल्टा। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ से घटाने के बाद अपनी 8 सिलाइयाँ टोटल बना ली हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ से सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है गाइज, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप 5 नंबर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 5 और 6 को भी आप पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदों को, 10 फंदों को घटा दिया 2 का 1 करते हुए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले फंदे में नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इस धागे को लंबा करते हुए, ये देखिए कट करेंगे, और कट करने के बाद हमने नॉट लगा दी। अब सभी धागों को यहाँ पे नॉट लगाने के बाद जो भी हैं ये निकले हुए, उनको हम कट करेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे फंसा दिया था ये, अब ये देखिए। तो चलिए धागों को यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी धागों को कट कर दिया है यहाँ पे नॉट लगाते हुए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो मैं आपको सिल के बताऊँगी किस तरह से हमने सिलाई करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए कैसे हमने सिलाई करनी है, जहाँ से ये हमारा उल्टा उल्टा दिख रहा है बॉर्डर तक, यहीं से हमने इस तरह से इसको, ये देखिए, सीधी तरफ अंदर रखना है, और ये इस तरह से हमने सिलाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ से इतना इसको सिलेंगे, जहाँ से हमने उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं वहीं से हमने, ये देखिए, यहाँ तक सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हम सिल लेते हैं इसको, ये देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे नॉट लगा करके, और इसकी सिलाई करेंगे, ये देखिए। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी गोपाल जी की पोशाक बनके कंप्लीट होगी। तो मैं आपको, ये देखिए, जहाँ तक हमारा उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनी हुई हैं वहीं तक हम इसकी सिलाई करेंगे।
ये देखिए ऐसे, तो ये सिल चुका है जहाँ तक मैंने, और अच्छे से यहाँ पे एक लॉक कर देंगे इसको। ये देखिए जहाँ तक हमने उल्टी सिलाइयाँ डाली थी वहाँ तक हमने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लॉक करके इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहीं से धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको छोड़ दिया है जहाँ से मैंने बॉर्डर शुरू किया था, और नीचे सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली है धागे में। अब इसको हम एक बराबर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से आप ऐसे मोड़ सकते हैं, चाहे आप इस तरह से बीचम बीच, हम मोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बीचम बीच आप इस तरह से यहाँ से भी इसको लॉक करेंगे, क्योंकि हम दोनों पैरों को अपना यहाँ पे डाल सकें। तो देखिए इस तरह से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पजामा बनके कंप्लीट हो चुका है, और हम इसको यहाँ पे भी अच्छे से इसको करते हुए ये यहाँ तक सिलाई करके, और इसको भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। ये देखिए तो उल्टी साइड से मैंने करा है। ये देखिए दोनों पैर अच्छे से हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक बार और इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब यहीं से हम इसको लॉक करने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं धागे को, आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ये। तो देखिए इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए मैं आपको सीधा भी आपके सामने ही कर रही हूँ। ये देखिए बहुत प्यारी सी ये हमारी यहाँ पे ड्रेस बनेगी। ये देखिए अब यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, और इस तरह से इसको यहाँ पे एक चिट बटन लगाएंगे इस तरह से लगाने के लिए, और यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। तो ये हमारा पट इस तरह से लड्डू गोपाल जी को गर्दन पे आ जाएगा। यहाँ पे बीच में आप कोई भी बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना हाथों से बना करके डोरी लगा लेती हूँ। बहुत प्यारी सी ड्रेस बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डोरी लगा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। और देखिए आप यहाँ पे बीच में कोई भी कलर का बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, बीच में यहाँ पे नेक पे इस तरह से, चाहे इसको आप ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं, ये छूटता नहीं है। तो देखिए अगर इस तरह से भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी है, और डोरी लगाने के बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने ये अपना चिट बटन भी लगा दिया है। आप इस तरह से गोपाल जी की गर्दन में इस तरह से बांधेंगे। देखिए मेरे पास 5 नंबर के गोपाल जी नहीं हैं, इसलिए मैं आपको पहना के नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस तरह से आप गर्दन में बांधेंगे, और हमने बांधने के बाद इस तरह से दोनों पैरों को डालते हुए ये गर्दन में बांधेंगे, और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे लॉक कर देंगे। और यहाँ पे ये देखिए इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे गोपाल जी को ये ड्रेस लगेगी, और दोनों पैर यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारा सा दोनों पैर आ जाएंगे। और आज आप इसे 5 नंबर गोपाल जी को पहना सकते हैं, 6 को भी ये आराम से आ जाएगी। तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है, और बीच में तो आप कोई भी बटन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इस तरह से भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं प्यारी सी ड्रेस हमारी कैसी लगी। बहुत फिट आएगी एकदम से ये। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।